नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं अविनाश। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े होते हैं। आज भी हम ऐसे ही एक मामले को आपके सामने लेकर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का एक मामला है, जहां का जिला अस्पताल इस वक्त खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के भले ही लाख दावे करे, लेकिन उनके दावे कई स्थानों में खोखले साबित हो रहे हैं। मिसाल यहां के शाहजहांपुर का जिला अस्पताल खुद है, जिसे तीमारदारी की जरूरत है। जी हां, यहां पदस्थ डॉक्टरों के आने जाने का कोई समय नहीं है। जब मर्जी आए, जब मर्जी चले गए। उपकरणों की कमी नहीं है इस अस्पताल में, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। वजह है, यहां लाखों रुपए के उपकरण जो है धूल खा रहे हैं। गंदगी पूरे अस्पताल में पसरी पड़ी है। अधिकारियों ने औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन को फटकार भी लगाई, लेकिन हालात फिर वही ढाक के तीन पात जैसे हो गए। प्रसिताओं से भी जो है पैसे लेने का मामला यहां उजागर हो चुका है। कुल जमा यहां की बदइंतजामी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, और यही वजह है शाहजहांपुर के मरीज इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं। होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, और जो हेल्थ टैक्स हैं वो भी अच्छे से एक्टिवेटेड नहीं है। तो इसमें हम लोग शासन को विभिन्न कार्रवाई के लिए कहते हैं, और ये व्यवस्था भी ये भी बनाई गई है कि हम लोग यहाँ प्रशासन के स्तर से भी अब जो एक दिवस अधिकारी यहाँ नामित कर रहे हैं, जो 8-8 घंटे पर गेट पर ही हेल्प डेस्क पर अवेलेबल रहे, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो सीधे CMS और मेडिकल कॉलेज के डेस्क पर संपर्क कर रहे हैं। और हमारे साथ ये सब केसेस जो हमारे पास एक चिट्ठी है, इस पर मैंने आदेश कर दिया है इंक्वायरी का, और इंक्वायरी करने के बाद इनको भी बुलाया जाएगा, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। तो देखा आपने, कहा तो जा रहा है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी वो जरूर जिला प्रशासन करेगा, लेकिन फिलवक्त स्थिति ये है कि यहाँ मरीज आने से कतराते हैं, और जो मजबूरी में यहाँ आते हैं तो उन्हें यहाँ बद इंतजामी का सामना करना पड़ता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते हो। इतना ही नहीं, यहाँ के सफाई कर्मी भी हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं। यही वजह है कि जब यहाँ का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया तो फटकार लगाई, यहाँ के लोगों को समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मामला है ठीक होने का नाम नहीं। हमेशा यही होता है कि जब भी कोई कार्रवाई होती है उस वक्त कुछ दिनों के लिए सब कुछ हालात ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर वही ढर्रा चल पड़ता है। खामियाजा जाहिर है सबसे ज़्यादा यहाँ के मरीज उठाते हैं, जो अब यहाँ आने से कतराने लगे हैं, दूसरे शहरों का रुख करते हैं अच्छे इलाज के लिए। इस हॉस्पिटल में उपकरणों की भी कमी नहीं है। तमाम उपकरण हैं यहाँ, लेकिन धूल खा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। राजीव शुक्ला हमारे संवाददाता हैं शाहजहांपुर से, जो हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव, क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी डांट फटकार के बाद, औचक निरीक्षण के बाद भी जो है जिला अस्पताल के हालत जो है सुधर नहीं रहे? मैं आपको बता दूं, जिला अस्पताल जो शाहजहांपुर है, यहाँ पे बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता है जी। यहाँ तक कि जैसे ही कोई मरीज अस्पताल गेट पे पहुँचता है तो सबसे पहले उसे अंदर जाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। अच्छा। मैं बात करता हूँ, जैसे कोई मरीज जाता है अपना ऑटो से जा रहा है जी। तो पहले उसके 20 रुपए एंट्री ली जाती है, उसके बाद वो ऑटो अंदर जाएगा। अच्छा। और नहीं तो वो मरीज अपना पैदल चल के या जैसे भी आए उस तरह से अस्पताल पहुँचता है जी। उसके बाद इमरजेंसी में जब जाता है तो वहाँ भी जब भर्ती होती है तब भी पैसे की डिमांड होती है जी। यहाँ तक कि जो वार्ड बॉय होते हैं, जब मरीज को शिफ्ट करते हैं तो वो भी 50 या 100 रुपए लेते हैं, तब वो वार्ड में शिफ्ट करते हैं जी। और उसके बाद भी उन्हें जो है दवाइयाँ जो बाहर से की आती हैं, जिसकी वजह से जो है इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है। राजीव, ये कब ये पूरा गोरख धंधा जो ये है, बिना मिली भगत के तो होता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अस्पताल प्रबंधन को इन तमाम चीजों की जानकारी ना हो, क्योंकि जब जैसा आप बता रहे हैं कि इतने हालात बिगड़े हुए हैं कि हॉस्पिटल में एंट्री के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं वहाँ के लोगों को, और वार्ड बॉय और जो हैं तमाम बिना पैसे लिए मरीजों को भर्ती भी नहीं करते, तो ये कितने सालों से इस अव्यवस्था यहाँ चल रही है?
ये व्यवस्था सर काफी सालों से चल रही है, इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। हाँ, ये एक बात और है कि अभी हाल ही में इसी जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। अरे ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो मेडिकल कॉलेज क्लासे कहीं और चलेंगी और उनकी प्रैक्टिस इस जिला अस्पताल में शुरू की जाएगी, मतलब जो MBBS जो सीखने वाले डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं गरीबों के जान से खिलवाड़ होने की संभावना ज्यादा है सर। जी जी, तो क्या है इस मामले में, जिला प्रशासन ने जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कदम भी उठाए हैं, औचक निरीक्षण भी किया जिला अधिकारी ने, उसके बाद डांट फटकार भी उन्होंने लगाई, सफाई पर भी काफी नाराज दिखेगी, जिस तरह से गंदगी यहां पसरी पड़ी है उसको लेकर भी नाराजगी उन्होंने दिखाई, क्या कुछ कार्रवाई की है और इसके इस कार्रवाई के बाद क्या कहना है जिला अस्पताल के जो प्रबंधन का है? देखिए, सफाई व्यवस्था में तो सुधार हुआ है, मैं आज सुबह ही जिला अस्पताल में गया था, मैंने खुद अपने अपना सर्वे किया, निरीक्षण किया, तो मैंने पाया कि सफाई व्यवस्था तो अच्छी है जी। लेकिन अभी हाल ही का एक मामला है, एक सलमान नाम का जो युवक था वो अपनी बहन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था जी, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था बहन के जी, ठीक, तो वहाँ जो लेडी डॉक्टर है डॉक्टर किरण गुप्ता जी, उन्होंने उससे 3,000 की डिमांड की, पैसे की, वो बहुत गरीब था, उसने 1,500 रुपए रिश्वत दे भी दिया, उसके बाद उसका बच्चा भी खत्म कर दिया गया अस्पताल में, अच्छा, एबॉर्शन कर दिया, जबकि एबॉर्शन कहीं पर से भी जायज नहीं है जी। लेकिन राजीव, एक बात और भी सुनने में आई है कि यहाँ प्रसूताओं से भी पैसे ले लिए जाते हैं जो डिलीवरी के लिए आती हैं जी, उसमें ऐसा है, उसमें जो आशा होती है उनका खेल होता साथ में, आशा वहाँ से रेफर करवाती है, फिर वो प्राइवेट में ले आती है जहाँ उनका नाम और पता नोट किया जाता है, उसके बाद उनका कमीशन वहाँ से बना होता है जी, और वो कमीशन थोड़ा बहुत नहीं होता, 2,000 या 3,000 के आसपास कमीशन होता उनका एक मरीज से जी, और उसमें जो है जो वहाँ के जो स्टाफ है वो पूरी मदद करता है, वो कहता है कि यहाँ आपका बच्चा सुरक्षित नहीं हो पाएगा, आप बाहर ले आइए, रिपोर्ट कर देते हैं 2 मिनट में जी 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 जी। तो जब ये जिला अस्पताल जो है वो है तो गरीबों के इलाज के लिए, यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है मरीजों का, सरकार भी जाहिर तौर पर जो है काफी इमदाद यहाँ पर इस जिला अस्पताल के लिए देती होगी, दवाएं और जरूरी उपकरण और तमाम चीजें, लेकिन कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, बताया जाता, डॉक्टर भी अपनी मर्जी से आते जाते हैं जी जी जी, मतलब मैं कोई भी आदमी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए भेजती है जिला अस्पताल के लिए, वो चाहती है कि गरीबों का इलाज फ्री हो और बेहतर हो, लेकिन उसके बाद भी गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है। दवाएं भी बाहर से खरीदने पर विवश किया जाता है, यहाँ पे सुनने में आया है अस्पताल द्वारा कि बाहर से दवाइयां लेके जाए, दवाइयां भी उपलब्ध नहीं कराई जाती मरीजों को, जो जो महंगी दवाइयां होती है उनकी उन्हें जो है बाहर से कहा जाता है आप बाहर से लीजिए, अगर आपको तो मरीज की जान बचानी है तो ये दवा बाहर से, और वो पर्ची जो है वहीं वापस जमा हो जाती है डॉक्टर के पास। जी जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर, मानवेन सिंह बीजेपी विधायक है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मानवेन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में, जिला अस्पताल की जो बदहाली है उसकी हम जो है रिपोर्ट यहाँ पेश कर रहे हैं अपने चैनल में, जिस तरह की खबरें हमारे पास आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उसके हिसाब से यहाँ बताया जाता है कि जो है अव्यवस्थाएं पूरे चरम पर हैं, मुफ्त इलाज होने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, प्रसूताओं से पैसे लिए जाते हैं, इतना ही नहीं एंट्री भी अस्पताल में बिना पैसे दिए होती नहीं है, क्या कहेंगे आप, सरकार आपकी है, आप यहाँ से विधायक हैं, उसके बावजूद भी हाल बेहाल हैं अस्पताल के। मानवेन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मानवेन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मानवेन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। राजीव, बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, योगी सरकार में कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिखता कुछ नहीं है, क्या कहेंगे राजीव जी? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन शाहजहांपुर में तो हाल बड़े बेहाल हैं स्वास्थ्य सेवाओं के, जब जिला अस्पताल में ये बदइंतजामी है तो जो ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक चिकित्सालय वगैरह जो वहां पर होंगे उनकी हालत का अंदाजा इसी अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर लगता है। सर, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी हालत तो बहुत ही बदतर है, और वो अपनी बदहाली पे आंसू बहाते हैं जी, वहाँ तो ये समझिए ताला ही पड़ा रहता है, ऐसे बहुत से मतलब जो है ग्रामीण अंचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ कोई भी इलाज नहीं होता है जी। चलिए राजीव, हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और हम इस
विशेष प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला अस्पताल की, जो इतना बदहाल और खस्ता हाल है। वजह सरकारी इमदाद की नहीं है, सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, लेकिन यहाँ का जो प्रबंधन है और यहाँ पे जो पदस्थ स्टाफ है उसकी जो है लापरवाही कहें या जिस तरह की यहाँ पर उनकी कार्यप्रणाली कहें, उसने पूरी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लचर बना दिया। और सबसे बड़ी बात है कि शाहजहांपुर में बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, तो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रैक्टिकल उनकी क्लासेस लगती हैं वो उसके लिए वो यहाँ पर इस जिला अस्पताल के मरीजों को देखने आएंगे, तो वो भी एक बड़ा मसला है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस पूरे शाहजहांपुर ज़िले की है, जहाँ के लोग सिर्फ इस अस्पताल पर निर्भर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आलम यह है कि बिना पैसे दिए यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती, छोटे मोटे इलाज के लिए भी लोगों को रकम चुकाना पड़ती है। जी राजीव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव, बड़ी ही विडंबना है, जिला अस्पताल जो पूरे जिले के यहाँ पे मरीजों के लिए खासतौर से गरीबों के लिए जो है वरदान बनना था लेकिन अभिशाप बन गया। राजीव क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला फाइल कर देने वाला आया जिसमें एक माँ अपने बेटे का सब लेके घूमती रही अस्पताल में। अच्छा, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं दी गई सर। जी ना एम्बुलेंस है ना स्ट्रेचर की होने को कहा जाता है कि सारी सोनोग्राफी और तमाम जो चीजें हैं, तमाम चेकअप के लिए भी व्यवस्थाएं पूरी हैं, उपकरण भी मुहैया हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर्स नहीं हैं। इतने साल हो गए ये इस तरह की व्यवस्थाएं इस अस्पताल में पसरी हुई हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे जरूरी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाती, मॉनिटरिंग नहीं की जाती इस अस्पताल की, और जो अस्पताल के जिम्मेदार हैं उनका ध्यान क्यों नहीं जाता कि इस तरह की लूट खसोट मरीजों से, गरीब मरीजों से की जा रही है, उनके स्टाफ के द्वारा क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई के नाम पे केवल जांच का आश्वासन दे दिया जाता है, उसके बाद ये पता ही नहीं चलता कि कार्रवाई हुई क्या। जी। आम पब्लिक को ये नहीं पता चल पाता कि कार्रवाई क्या हुई, जबकि आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया गया है। जी इतने वहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा विधायक जो है बीजेपी के मानवेंद्र सिंह हैं, तमाम लोग हैं, क्या कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, आवाज बुलंद की लोगों ने? हाँ, आवाज उठाई, आवाज बुलंद भी हुई, लेकिन होता यह है कि उनको जो है झूठे केस में फंसाने की धमकी दे दी जाती है। जी अस्पताल प्रशासन की तरफ से जी। कि हम आपके ऊपर फर्जी केस डाल देंगे, हम आपको झूठे केस में जेल भिजवा देंगे, तो ये तो सीधे सीधे से समझौता होता है, तो सीधे सीधे गुंडाई हो रही है राजीव जिला अस्पताल में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है अभी जो औचक निरीक्षण जिला अधिकारी ने किया, जांच की बात भी वो कह रहे हैं, तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? आपने जैसा बताया कि साफ सफाई तो ठीक हो गई, लेकिन ऊपरी साफ सफाई जितनी ज्यादा जरूरी है उससे कहीं ज्यादा वहां के स्टाफ के बिहेवियर को भी ठीक करना या उनको कोई सबक सिखाना भी उतना ही जरूरी है, नहीं समझेंगे आप ऐसा? अभी जब जिला अधिकारी जी ने जो औचक निरीक्षण किया उसके बाद जो है काफी सुधार हुआ है अस्पताल में, जो डॉक्टर्स हैं इनका नेचर भी काफी मधुर हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। जी और हमें लगता है कि अगर ऐसे ही निरीक्षण होता रहे टाइम टू टाइम पे जी, तो निश्चित रूप से जिला अस्पताल की जो है सुधर जाएगा। इस मामले में जिला अस्पताल के जो कर्ता धरता है उनका क्या कुछ कहना, उनका कोई वर्जन सामने आया, उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं नहीं, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बात हो नहीं पाई मेरी। जी क्या कुछ कहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के अस्पताल के बारे में यहाँ के लोगों की क्या धारणा है? कई सुनने में आया है कि अब इस अस्पताल का रुख ही नहीं करते लोग, जो थोड़े सक्षम है वो किसी निजी अस्पताल में चले जाते हैं या दूसरे शहरों का रुख करते हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए जो गरीब तबका है जी, वो सीधे झोला छाप की तरफ चला जाता है जी, उसे पता है कि हम यहाँ पे 20-25 रुपए दवा लेंगे तो मुझे फायदा होने वाला है जी, और जो अमीर है वो सीधे बरेली या लखनऊ जी, वो जिला अस्पताल नहीं जाता है जी। तो ये इस बात का तो और भी फायदा यहाँ के लोग उठाते होंगे कि जब कोई आना ही नहीं चाहता तो उनका भी काम और हल्का हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन गरीब कहाँ जाए सर? ये कितनी क्षमता है इस अस्पताल की, कितने बेड का अस्पताल है ये, और क्या क्या सुविधाएं हैं कहने को, और कितना किन सुविधाओं का लाभ मिलता है, किन का नहीं मिलता? अस्पताल बिल मेंटेन है सर, 300 बेड का अस्पताल है जी, बड़ा अस्पताल होता है 300 बेड का अस्पताल, हर आधुनिक सुविधा से लैस अस्पताल है सर जी।
ऑपरेशन वगैरह भी की भी व्यवस्था होगी यहाँ पे, होते हैं कि नहीं होते? पूरी पूरी व्यवस्था ऑपरेशन की, ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक सर्जन और जो जरूरी स्टाफ है वो है यहाँ नहीं है? है सर्जन भी हैं और ऑपरेशन भी अच्छा करते हैं जी, लेकिन ये है कि गरीबों का हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है जो आती है गरीबों को सामने आती है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनका कोई रसूख नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो जो है यहाँ अस्पताल में आके इन दुश्वारियों का सामना वो करते हैं, जो बदसलूकी भी उनके साथ होती है और तमाम तरह की दिक्कतों का वो सामना करते हैं, उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता, और जो रसूखदार हैं जिनकी जान पहचान है या जो हथेली गरम कर देते होंगे यहाँ के स्टाफ की, तो उनको इलाज मिल भी जाता होगा, उनको पूरी सुविधा मिलती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।